Welcome back guys again to my very own channel today, Being Beautiful, and this is Saba. So I'm just going to talk about today the own makeup brushes, the only makeup brushes you need, the minimum makeup brushes you need for the entire face makeup, guys. So I don't want to make this video very long, guys. Let's just begin to start with this, the topic of, you know, the actual need of brushes, guys. You might be knowing there is just, you know, huge number of brushes that, you know, everyone shows ki iske ye fayde hain, ye aap is tarike se use kar sakte ho, but actually mein, guys, uski itni zarurat padti nahi hai. You can evenly work with 4 to 5 essentially makeup brushes, and you don't need extra brushes, guys. So I was watching tutorial before, you know, ki wahan pe, you know, 20, 22, 30 set ke brushes hote the, and they were just showing online ki yahan pe use karna hai, wahan pe use karna hai, but utna practically use nahi hota hai, guys. So jo essentially brush aapko lagne wale hai to complete your entire face makeup, wo aapko main step by step bataungi ki how you can just begin with your makeup and you can just complete it with few sets of brushes. गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल, हम ब्रश यूज़ क्यों करते हैं? ब्रश हाइजीन रीजन्स. इफ़ यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट, गाइज, सो यू कैन नॉट नेगोशिएट विद, यू नो, अनहाइजेनिक ब्रश. ब्रश यूज़ करने के लिए हाइजीन रीज़न, यू हैव टू मेंटेन इट. अगर मैं आपको अपने आप पर पर्सनली ब्रशेज यूज़ कर रही हूँ, सो आई डोंट हैव टू कैरी मच अबाउट इट बिकॉज आई एम द ओनली पर्सन हु इज़ गोइंग टू यूज़ इट. बट अगर किसी के स्किन पे किसी तरह का कोई भी कंसर्न है, एनी मार्क्स, पिगमेंटेशन, एनी सॉर्ट ऑफ एलर्जी, सो फॉर दैट रीज़न ब्रश का हाइजेनिक होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड यू डोंट हैव टू कैरी द होल सेट ऑफ ब्रशेस विद यू, गाइस, स्पेशली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग और एनीथिंग लाइक दैट. यू कैन नॉट कैरी सो मच ऑफ मेकअप इन ब्रशेस. तो मैं आपको जो ब्रशेस रेकमेंड कर रही हूँ, गाइस, ट्रस्ट मी, यू कैन जस्ट फॉलो द सेम. मैं आपको रीजन्स भी बताऊँगी कि आपको ब्रशेस अपने साथ क्यों रखने हैं. देन यू कैन जस्ट go ahead and just keep all those brushes with you. And since I'm talking to you after my experience of creating number of videos on YouTube, and one more thing I would just like to add here is that, guys, sir, sabhi tarah ke brushes pe kuch na kuch naam likhe hote hain, just like foundation brush, concealer brush, anything like that. But this is your personal preference ki aap koi bhi brush kisi bhi jagah pe use kar sakte ho until and unless you're very comfortable to do it, and usse aapka outcome और आपका रिजल्ट आ रहा है. फैन ब्रशेज आप यूज़ करते हो एज अ हाइलाइटर, नॉट नेसेसरी कि आप अपने फेस, हाई चिक बोन एरियाज पे ही यूज़ करते हो. आप इसे अपने नेक पे, बॉडी पे, जहाँ आपको यूज़ करना है आप वहाँ भी यूज़ कर सकते हो. इट्स नॉट मैंडेटरी दैट यू हैव टू यूज़ फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया जो उसमें मैंशन किया हुआ है. यू कैन यूज़ इट एनी वेयर. इट्स योर पर्सनल प्रेफरेंस एंड कम्फर्ट कि आपको कहाँ भी यूज़ करना है वो ब्रश. Say for example, I have 2 brushes from MAC. आप देख सकते हो इस पर लिखा है small concealer brush, एंड यहाँ पे भी कंसीलर एंड हाइलाइटर ब्रश लिखा हुआ है. बट मैं ये दोनों ब्रशेस को अपने फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए भी यूज़ कर सकती हूँ. इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं ये कंसीलर के ही तौर पे यूज़ करूँ. आई कैन इवन यूज़ दिस ब्लश ब्रश एज माय हाइलाइटर एज वेल, गाइस. तो मैं अपने प्रेफरेंस एंड कम्फर्ट के हिसाब से कोई भी ब्रश किधर भी यूज़ कर सकती हूँ. नॉट नेसेसरी कि जो जहाँ पे आपको इतना स्पेसिफिक होना ज़रूरी है. एंड इन मेकअप, गाइस, इफ़ यू आर इनटू मेकअप, इफ़ यू आर एडिक्टेड टू इट, देन आप इतने बड़े, इतने अच्छे ब्रांड्स को अफोर्ड नहीं कर सकते हो, गाइस, देन यू कैन जस्ट हैव 4 to 5 ब्रशेस मैक्स टू मैक्स. बस 4 to 5 ब्रशेज यू कैन जस्ट हैव इट, स्टिल यू कैन वर्क विद इट, एंड आपका जो काम है बहुत अच्छा दिखेगा यूजिंग दोज मिनिमम ब्रशेज, गाइज, बिकॉज इतना ज़्यादा आपको बाय करने की और इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, गाइज. लेकिन इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन टू ब्रशेज, गाइज, यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल बिफोर इन्वेस्टिंग इट, बिकॉज आपको एक अच्छी और गुड क्वालिटी का ब्रश, यू नो, यूज़ करना है जिसके ब्रिसल्स वगैरह बहुत अच्छे हो, जिसकी लॉन्जिविटी बहुत अच्छी हो. बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी, यूजिंग अ ब्रश इज़ जस्ट लाइक अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट. आप बहुत अच्छे से अच्छे ब्रांड में इन्वेस्ट करिए, बिकॉज लिपस्टिक्स, आई शेडोज आपके चेंज होते रहेंगे, बट ब्रश इज़ नॉट लाइक दैट. ब्रश में आपको एक बार ही इन्वेस्ट करना है. यू हैव टू क्लीन इट अकॉर्डिंग टू योर रूटीन, गाइज. सो बिफोर बिगिनिंग अप, गाइज, आई जस्ट वॉन्ट टेल यू दैट फिंगर्स को यू कैन नॉट अवॉइड.
ड्यूरिंग मेकअप इन द प्रोसेस ऑफ मेकअप, बिकॉज मैंने बहुत बार अपने वीडियो में एक्सप्लेन किया है, वॉइस ओवर किया है दैट द फिंगर हैज़ सम वॉर्म्थ, आपकी फिंगर्स में थोड़ी बहुत यू नो गर्म होता है, थोड़ी बहुत गर्मी होती है, जिसकी वजह से आपका जो फाउंडेशन है, आपका स्किन प्रिपरेशन है, आपका प्राइमर है, आपका स्किन प्रोडक्ट बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है एंड यू कैन नॉट अवॉइड योर फिंगर्स गाइस. इवन द जो बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट है दे अवॉइड यूजिंग ब्रशेज एंड दे यूज देयर फिंगर्स गाइस. फिंगर्स से आप ब्लेंडिंग करिए, कंसीलर अप्लाई करिए, फाउंडेशन अप्लाई किए, स्किन का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, यू कैन नॉट इग्नोर दिस एंड इससे अच्छा कोई वर्कआउट कर ही नहीं सकता है दैट यू आर पिकिंग अप द प्रोडक्ट एंड यू आर डिपॉजिटिंग इट वेल टू योर स्किन कंसर्न एरियाज इंक्लूडिंग शेडोज एंड एवरीथिंग गाइज. देन यू कैन प्लीज नॉट इग्नोर, यू शुड नॉट इग्नोर यूजिंग योर फिंगर्स गाइज इन टर्म्स ऑफ मेकअप एंड देर शुड बी नो हेजिटेशन यूजिंग योर फिंगर्स इन यू नो इन मेकअप. नाउ डेज द रील्स, इंटरनेट, यू नो द इंस्टाग्राम, एवरीथिंग इज जस्ट कमिंग अप टू शोकेसिंग देयर प्रोडक्ट. Sometimes, though the influencer even feel, you know, little uncomfortable to use finger, they want to be like perfect on camera. So they use the brushes for each and everything, but fingers you should always do for the better, you know, come out guys, for the better look, for the more natural finish, you always use fingers. So we should begin step by step. How do we prep our skin? Then we'll गो इन द प्रोसेस कि स्टेप बाई स्टेप हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और हमें किन चीज़ों पे क्या यूज़ करना चाहिए. तो टोनर के लिए आप टोनर स्प्रे कर सकते हो, यू डोंट नीड एनी ब्रश. एंड उसके बाद आपका आता है मॉइस्चराइज़र, सीरम एंड प्राइमर. प्राइमर आप हाथ से ही अप्लाई कर लोगे, यू डोंट नीड अ ब्रश. इफ़ यू नीड देन यू कैन यूज़ इट अकॉर्डिंग टू योर पर्सनल प्रेफरेंस, बट मैं पर्सनली हाथ से ही अप्लाई करती हूँ अपना स्किन केयर इंक्लूडिंग प्राइमर. प्राइमर के बाद गाइस फाउंडेशन की बारी आती है, तो फाउंडेशन आप अप्लाई करिए अपने फिंगर्स से. फाउंडेशन के बाद यू नीड अ ब्यूटी ब्लेंडर गाइस. ब्यूटी ब्लेंडर इज़ नॉट नेगोशिएबल इन टर्म्स ऑफ कीपिंग द मिनिमम ब्रश और मिनिमम टूल विद यू फॉर डूइंग मेकअप. मेरे पास ये कलबा का ब्यूटी ब्लेंडर है गाइज, यू कैन सी एंड प्लीज़ इग्नोर कि मेरे ब्रश थोड़े से अच्छी कंडीशन में नहीं है, इट्स लाइक लिटिल डर्टी बिकॉज मैं अपने ऊपर ही इस्तेमाल करती हूँ, नोबडी एल्स यूज माई ब्रशेज एंड माई टूल्स गाइज अपार्ट फ्रॉम मी. एंड ये ब्यूटी ब्लेंडर है गाइज, ब्यूटी ब्लेंडर यू कैन नॉट नेगोशिएट टू यूज़ इट गाइज. ये अपना आप इससे अपना फाउंडेशन ब्लेंड कर सकते हो, अपना कंसीलर ब्लेंड कर सकते हो और आपका जो क्रीम ब्लश है वो आप कंट्रोल कर सकते हो. क्रीम ब्लश आप अप्लाई कर सकते हो, क्रीम हाइलाइटर और द क्रीम कंट्रोलिंग आप एक ही ब्यूटी ब्लेंडर से कर सकते हो एंड इट इज़ एक्सट्रीमली एसेंशियल टू कीप इट विद यू गाइज. ये आपने रख लिया, आपका आधे से ज़्यादा काम हो जाएगा. आफ्टर दैट गाइज इट्स टर्न टू डू योर ब्राउज. आफ्टर कम्प्लीटिंग योर मेकअप कॉम्पैक्ट या लूज पाउडर अप्लाई करना है तो उसके साथ एक पफ आपको मिलता ही है. मोस्ट ऑफ द कंपनीज गिव दैट पफ स्पेसिफिकली. अगर नहीं है देन यू कैन यूज स्टिल दिस ब्यूटी ब्लेंडर एंड आप एक पाउडर ब्रश भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास है तो. लेकिन इफ़ यू आर यूजिंग दिस ब्यूटी ब्लेंडर आई हाईली सजेस्ट यू दैट आप एक पाउडर वर्क के लिए एक डिफरेंट ब्यूटी ब्लेंडर रखिए और एक क्रीम वर्क के लिए आप एक डिफरेंट ब्यूटी ब्लेंडर आपके पास रखिए. से फॉर एग्जाम्पल इससे क्रीम ब्लश, क्रीम फाउंडेशन, क्रीम कंसीलर, क्रीम हाइलाइटर आप इससे करिए एंड पाउडर के लिए लाइक पाउडर ब्लश, पाउडर कॉम्पैक्ट पाउडर, लूज पाउडर उसके लिए आप दूसरा ब्यूटी ब्लेंडर रखिए बिकॉज वेट एंड ड्राई मिक्स हो जाएगा तो आपकी स्किन से पैची लगेगी गाइस. तो आईब्रोज के साथ हमेशा एक यू नो स्पूली वगैरह आती है. देन यू डोंट नीड अ स्पेसिफिक ब्राउ ब्रश विद यू. एंड कमिंग टू द मेन टॉपिक नाउ गाइस, एज आई सेवरल टाइम रिपीटेड ऑन माई वीडियोज गाइस, वॉइस ओवर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि फॉर द इंटायर मेकअप योर आई मेकअप इज़ द की. आई मेकअप इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड आई मेकअप इज़ लाइक यू नो ये एक ही ऐसा एक पार्ट है दैट इज़ द वन जो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग करता है एंड दिस इज़ द प्लेस वेयर यू कैन शो योर आर्ट, शो योर वर्क, शो योर इमेजिनेशन, शो योर रियल टैलेंट कि आप अपना आई मेकअप कैसा करते हो. आई मेकअप में भी बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है एंड अकॉर्डिंग टू मी ऑफ माई पर्सनल एक्सपीरियंस गाइज इज़ दैट कि आपका ब्लेंडिंग ब्रश एक मस्ट हैव है. दिस इज़ नॉट रियली नेगोशिएबल, ये आपके पास होना ही चाहिए. आप पिगमेंट वगैरह फिंगर्स से उंगली से लगा सकते हो बट अ गुड ब्लेंडिंग ब्रश यू हैव टू हैव विद यू गाइज.
आप जो ऐसे करके अपने यहाँ पे अप्लाई करते हो उसके लिए आपके पास गुड बहुत अच्छी ब्लेंडिंग ब्रश होना चाहिए विद अ वेरी गुड ब्लेंडिंग टेक्निक्स गाइस। एंड वन मोर टिप आई वुड लाइक टू गिव हियर इज दैट कि ये जो ब्रश है वो आपकी नीड के हिसाब से आप लीजिए। लाइक यू नो आई हैव द लिटिल स्पेस टू वर्क हियर, आई डोंट हैव द बिगर स्पेस यू नो कि मैं बहुत सारे कलर्स एक्सपेरिमेंट कर सकूँ। तो उसके हिसाब से आप अपने ब्रश का साइज़ ये देख लीजिए, बिकॉज ये थोड़ा सी बड़ा है तो इसमें से छोटा भी। दिस इज़ द स्मॉलर साइज गाइस, तो आप अपने आईलिड स्पेस की वजह से आपके जो भी ब्लेंडिंग ब्रश है उसे यूज़ कर सकते हो। फॉर एनी मेकअप ट्यूटोरियल गाइस, फॉर एनी मेकअप लुक दिस ब्लेंडिंग ब्रश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन नॉट वर्क इट विदाउट यू नो। पिगमेंट वगैरह आप हाथ से कर सकते हो, कोल के लिए भी कोल एप्लीकेटर होता है तो उसके लिए आप कर सकते हो, हाथ से उसे ही कर सकते हो, बट द ब्लेंडिंग ब्रश इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आई होप यू गेटिंग मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। इज एज आई रिपीटेड एवरी टाइम, योर आई मेकअप इज़ द की गाइस। तो ब्लेंडिंग इसके लिए आपके पास एक पेंसिल ब्रश होना चाहिए, ये वेगा का है मेरे पास। इसका जो एक विथ है, इसका जो एक साइज़ है, आप कम ज़्यादा कर सकते हो। लाइक इसे और पतला भी मिलता है, इससे और मोटा भी मिलता है। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू योर पर्सनल प्रेफरेंस कि आपको कितना मोटा और कितना पतला रखना है। बट दिस इज़ लाइक अ मीडियम साइज़, बिकॉज इफ़ यू आर डूइंग एनी स्मोकी आई, एनी स्मजी लाइनर लुक, एनी थिंग, यू हैव टू वर्क लोअर लैश लाइन और अपर लैश लाइन। पेंसिल ब्रश इज़ द की, पेंसिल ब्रश एंड दिस ब्लेंडिंग ब्रश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कम्प्लीट योर आई मेकअप। रेस्ट ऑफ द थिंग यू विल डू बाय योर फिंगर्स। अब ब्राउ बोन पे भी हाथ से पिगमेंट लगा सकते हो, ब्राउ बोन का भी एक अलग ब्रश आता है, बट आई विल नॉट सजेस्ट यू टू डू बाय दैट। एक ब्लेंडिंग ब्रश बहुत अच्छा अकॉर्डिंग टू योर आईलिड एरिया का साइज। अगर आप यहाँ पे ट्रांजिशन क्रिएट कर रहे हो तो आपको बड़ा साइज लगेगा, अगर आप उसकी क्रीज लाइन पर कुछ डिपॉजिट कर रहे हो तो आपको ये छोटा ब्लेंडिंग ब्रश लगेगा ही ज़रूर। तो अकॉर्डिंग टू मी, कीप ऑल दीज टू ब्रशेस विद यू टू कम्प्लीट योर आई मेकअप ट्यूटोरियल। सो गाइज, आफ्टर ब्लेंडिंग योर शेडोज एंड एवरीथिंग एंड डूइंग योर आई मेकअप गाइज, इट्स टर्न टू टॉक अबाउट काजल। काजल में गाइज यू डोंट नीड अ ब्रश, बिकॉज वाइट पेंसिल से लग जाता है, लाइनर के साथ ये ब्रश आते ही है मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड इन टर्म्स ऑफ डूइंग योर जेल आई लाइनर्स, सो जेल आई लाइनर्स के साथ भी ब्रशेज जो आते हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। एंड जेल लाइनर्स के साथ अगर आपको एक ब्रश लेना है तो इट्स योर चॉइस इफ़ यू आर कम्फर्टेबल यूजिंग जेल लाइनर्स, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी गाइज जेल लाइनर इज़ नॉट ईजी टू यूज़ इट बिकॉज उसके जो विंग है वो प्रॉपरली आते नहीं, यू कैन नॉट गिव विंग प्रॉपरली विद द जेल लाइनर्स। सो उसके लिए आपके पास एक ब्रश होना चाहिए पॉइंटेड एंड वेरी शार्प वाला। एंड अकॉर्डिंग टू मी गाइज जेल लाइनर्स आपको मतलब यूज़ नहीं करना चाहिए, लिक्विड लाइनर्स विल वर्क वंडर्स एंड बहुत अच्छी क्वालिटी के आप यूज़ कर सकते हो। एंड उसके ऊपर जो ऑलरेडी ब्रश होते हैं, फेस पे आपने फिंगर्स से अप्लाई कर लिया है, ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई कर लिया, इट्स टर्न टू डू योर पाउडर वर्क अपने कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ। एक पफ आता है जो आप यूज़ कर लोगे टू सेट योर मेकअप गाइस। एंड आफ्टर दैट देर इज़ कंटूरिंग, देर इज़ हाइलाइटर एंड देर इज़ ब्लशर। तो वो सारी चीज़ें जैसे कि मैंने आपको पहले बताया आप कर सकते हो, बट फॉर मी आपके जो चीक एरिया का जो मेकअप है उसके लिए यू हैव टू हैव दिस ब्लशर ब्रश विद यू। ब्लशर ब्रश इज़ नॉट नेगोशिएबल गाइज, आपके पास होना ही चाहिए। अगर आप क्रीम बेस्ड का काम कर रहे हो तो उसके लिए ब्यूटी ब्लेंडर विल वर्क, बट फॉर द पाउडर वर्क, फॉर द पाउडर ब्लश, आपके पास एक ब्लशर ब्रश होना ही चाहिए, बिकॉज वो आप हाथ से नहीं कर सकते हो, यू नो हाथ से आप नहीं कर सकते हो। आपका जो फिनिश है ऊपरी चीक पे आना चाहिए, उसके लिए आपके पास एक अच्छा ब्लशर ब्रश होना चाहिए। एंड इससे आप कंटूरिंग भी कर सकते हो, लाइक ऐसे ऐसे कंटूरिंग भी कर सकते हो, आप हाइलाइटर भी दूसरे ब्रश से अप्लाई कर सकते हो। फॉर द ब्लशर ब्रश जो आपको कवरेज चाहिए आपके चीक्स पे, वो हाथ से नहीं होएगा तो ये होगा तो और दूसरे ब्रश से नहीं होएगा, फिर ये आपको चाहिए फॉर द फेस मेकअप। अगर आपको इससे यू नो आपका पाउडर वर्क भी करना है तो आप कर सकते हो, बट ये नीट एंड क्लीन होना चाहिए, इसमें कोई पिगमेंट नहीं लगा होना चाहिए, अदरवाइज वो मैसी हो जाएगा। एंड लिपस्टिक के लिए गाइज, अगेन वो बुलेट लिपस्टिक्स होती है, लिक्विड लिपस्टिक्स होती है, उसके लिए डोंट नीड अ ब्रश। लिपस्टिक ब्रश भी आते हैं, आप उससे कंटूरिंग ओम्ब्रे इफेक्ट या कुछ कंटूरिंग वगैरह कर सकते हो, बट दैट इज़ नॉट अननेसेसरी, इट्स अप टू यू कि आपका यू नो यूज़ करना है नहीं करना है। लाइक यू नो क्योंकि
all are using, you know, all are very much comfortable using liners and lipstick and bullet lipstick. Nobody use much the lip brush etc. So this is just my recommendation ki aapko ye brushes aapke paas must have hona hi chahiye. I hope guys I'm very much clear about it. If you do have any doubts and concern, then you can ask me below in the comment box. I'll just shortly repeat the process once again. Beauty blend for your face makeup, for the cream based product and for the powder product, and for eye makeup is very essential guys. Eye makeup ke liye these two brushes, pencil brush and a good blending brush guys, for the smoky and everything blending brush please aapke paas hona chahiye. And for your face and cheeks makeup guys, a good blusher brush ko aap bahut hi zyada versatile tarike se bhi use kar sakte ho, jaise ki maine aapko pehle hi bataya. So it's just up to you. If you're going somewhere else, somewhere if you're traveling also, just keep these brushes with you. You're just sorted to complete your face makeup guys. I hope guys you have liked my video, and this is just all about this video guys. मैंने जो भी essentially आपको brush लगने वाले हैं, जो बहुत ज़रूरी है आपके पास रखना, वो बताया है and उसका reason भी explain किया है. But अगर आपको फिर भी कुछ concern है, you can just ask me below in the comment box regarding the same. And if you do like this video topic and my thoughts about it and anything, then please appreciate this video. You know how to appreciate this channel very well guys. Please like, share and comment to my particular channel and video very well guys. You know how to. And as of now I should say Allah Hafiz. See you next time with the next upcoming video of mine.